Hello everyone, this is PK Sharma and you are watching me our YouTube channel Ions Learner Academy. Friends, पीछे की तीन वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है जिसमें आपका चैप्टर नंबर वन जो ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी है, चैप्टर नंबर टू मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल है, इसका मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया फ्रेंड्स पीछे की तीन वीडियो में। इसी के साथ साथ आपको बताया गया था कि मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स के अंतर्गत ही आपका प्रिसीजन मेजरिंग टूल्स भी, मतलब चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर टू और चैप्टर नंबर 15 जो है आपका फिनिश हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपको ये क्लियर दिखाई ना दे रहा हो तो आप लैंडस्केप व्यू में देखिए फ्रेंड्स, लैंडस्केप व्यू में देखिए और थोड़ा सा अपने मोबाइल का रेजुलेशन बढ़ा लीजिए, कम से कम 360 कर लीजिए, 360 कर लीजिए, सारी चीजें आपको क्लियरली दिखाई देंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल और प्रिसीजन मेजरिंग टूल्स का कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोनों ही हो गया था। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला भी था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो फ्रेंड्स ये दोनों काम इन तीन चैप्टर्स के कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट में चले जाइए और वीडियो संख्या वीडियो नंबर 20, 21 और 22 ये तीनों देख लीजिए, तीनों में ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज जो हम देखेंगे, हमारा जो अगला चैप्टर है, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है मार्किंग एंड मार्किंग टूल, तो आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, हम लोग आज देखेंगे फ्रेंड्स मार्किंग एंड मार्किंग टूल, जिसमें आज पढ़ेंगे हम लोग मार्किंग, इट्स मेथड मतलब मार्किंग और इसकी विधियां और मार्किंग मीडिया, ये तीन चीजें आज कवर की जाएंगी फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स मार्किंग क्या होता है, व्हाट इज मार्किंग। फ्रेंड्स मार्किंग जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं लाइन क्या होती है, लाइन क्या होती है, लाइन रेखा, रेखा क्या होती है फ्रेंड्स, रेखा जो होती है पाथ ऑफ पॉइंट, पाथ ऑफ पॉइंट मतलब कि बिंदु का बिंदु पथ, बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है फ्रेंड्स, रेखा। जैसे मान लीजिए कि बिंदु है, चला दिए, ये रेखा होगी। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो रेखा होगी हॉरिजेंटल होगी, क्षैतिज रेखा होगी, वर्टिकल होगी, इंक्लाइंड होगी या फिर कोई वक्र रेखा होगी, इन्हीं रेखाओं की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स मार्किंग जो है, मार्किंग क्या होता है फ्रेंड्स, मार्किंग क्या होता है फ्रेंड्स। आप लोग जानते होंगे कि इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है तो सबसे पहले उसकी ड्राइंग बनाई जाती है, ड्राइंग बनाई जाती है और उस ड्राइंग को ही देखा जाता है, पढ़ा जाता है फ्रेंड्स। जब ड्राइंग को हम लोग पढ़ लेते हैं तो विभिन्न रेखाओं के माध्यम से हम मेटल के ऊपर उस ड्राइंग को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ड्राइंग को मेटल के ऊपर ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, मार्किंग कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रही है बात, ड्राइंग को मेटल के ऊपर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या होती है, मार्किंग होती है। ड्राइंग को मैं लिख भी दे रहा हूं, को मेटल के ऊपर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है फ्रेंड्स, मार्किंग कहलाती है। इसका एक अन्य नाम भी होता है, अदर नेम इसका क्या होता है, लेआउट। मार्किंग को हम लोग लेआउट भी कहते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मार्किंग या लेआउट दोनों ही क्या है फ्रेंड्स, एक ही चीज है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अब लोग हम लोग देखते हैं कि मार्किंग करने से क्या लाभ है, पर्पज ऑफ मार्किंग, मार्किंग क्यों की जाती है। तो पर्पज ऑफ मार्किंग, मार्किंग का उद्देश्य,
ठीक है फ्रेंड, सबसे पहला क्या पर्पज होता है, हमें जाब की जो साइज है बार बार चेक नहीं करना पड़ता है, जाब की साइज बार बार नहीं चेक करना पड़ता है, जॉब की साइज बार बार नहीं चेक करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या एडवांटेज होता है या फिर आपका क्या उद्देश्य है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मार्किंग कर देते हैं तो मेटल वेस्ट नहीं होता है, मेटल खराब नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला इसका पर्पस देख लेते हैं क्या है हमारा मार्किंग करने का, समय की बचत होती है फ्रेंड्स। अगला जो है समय की बचत मतलब समय बचता है, मार्किंग कर देते हैं तो समय क्या होगा फ्रेंड्स, बचेगा। अगला नंबर देखते हैं क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, यह जो है मार्किंग रेखाएं हमें क्या करती हैं, उत्पाद को प्रोडक्ट को बनाने में सहायता प्रदान करती है, गाइड का काम करती हैं। किसका गाइड, प्रोडक्ट को बनाने के लिए गाइड का काम, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मार्किंग कर देते हैं तो आप बहुत ही इजीली प्रोडक्ट को बना लेते हैं, मार्किंग करने से इजीली आपका प्रोडक्ट क्या हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। फ्रेंड्स, जब आप मार्किंग कर लेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है इजीली बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, जब आप लाइनें खींचते हैं तो लाइनों को खींचने का सही तरीका क्या होता है, ये आपको चित्र में दिखाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप लाइनें खींचिए, मान लीजिए कोई मार्किंग टूल है, स्क्राइबर है, ठीक है, इसके लाइनें स्क्राइब की जाती है, स्क्राइबर है, तो ये किस पोजिशन में होना चाहिए, मान लीजिए ये आपका टूल है गाइड देने के लिए, आपका वर्ग है, तो इस पोजीशन में मतलब ठीक ये आपका क्या होना चाहिए, इसके करीब होना चाहिए, तब तो आपकी मार्किंग सही हो रही है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तब भी मार्किंग गलत है, टूल वर्टिकल रख के मार्किंग कर रहे हैं तब भी गलत, इन दोनों पोजीशन में गलत है फ्रेंड्स, और ये वाली जो पोजीशन है परफेक्ट है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मार्किंग मीडिया, तो चलते हैं फ्रेंड्स देखते हैं मार्किंग मीडिया। देखिए फ्रेंड्स, जब आप मार्किंग करते हैं धातु के ऊपर, तो मार्किंग करने से पहले उस धातु के ऊपर किसी पदार्थ की क्या चढ़ा दी जाती है, एक पतली परत चढ़ा दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप मार्किंग कर रहे हैं, ये आपका जॉब है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका जॉब है, इस पे हमें मार्किंग करना है, तो हम क्या करते हैं, कोई पदार्थ होता है इसकी एक पतली परत चढ़ा देते हैं, फिर मार्किंग करते हैं। इससे क्या फायदा होता है, जो मार्किंग लाइन होती है, मार्किंग लाइन फ्रेंड्स क्या होती है, यह क्लियर विजुअल होती है, क्लियर दिखाई देती है, क्लियर विजन हो जाता है इसका जो विजन हो जाता है, क्लियर हो जाता है, अस्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो मार्किंग मीडिया क्या है, एक पदार्थ है जिसकी पतली परत धातु के ऊपर चढ़ा दी जाती है, जिससे मार्किंग लाइनें क्या होती है, अस्पष्ट दिखाई देती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक पदार्थ जिसकी पतली परत या लेयर मेटल सरफेस पर धातु की सतह पर चढ़ा दी जाती है, जिससे मार्किंग लाइन अस्पष्ट दिखाई देती हैं, उसे मार्किंग मीडिया कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मार्किंग मीडिया क्या है, किसी धातु की पतली परत जो धातु के
सॉरी किसी पदार्थ की पतली परत जो धातु के सतह पे चढ़ाई दी जाती है, जिससे मार्किंग लाइनें क्या होती है फ्रेंड्स, क्लियर दिखाई देती है, उसे मार्किंग मीडिया कहते हैं। इसे लेआउट मीडिया भी कहा जाता है, लेआउट मीडिया, लेआउट मीडिया, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मार्किंग मीडिया को लेआउट मीडिया भी कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यह कितने प्रकार की होती है मार्किंग मीडिया, टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया। पहला नंबर है व्हाइट वॉश, दूसरा नंबर है पार्सियन ब्लू, तीसरा नंबर है कॉपर सल्फेट और चौथा नंबर है आपका लेआउट मीडिया। तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आपका जो है कौन सा है, व्हाइट वॉश, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए फ्रेंड्स, जो भी मैं लिख रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट आप लोग जब भी आपको टाइम मिले या फिर जब भी मैं बीच में रुक रहा हूं तुरंत आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए बिना देर किए हुए फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स व्हाइट वॉश, व्हाइट का मतलब क्या होता है, सफेद, और वॉश का मतलब पुताई, ठीक है फ्रेंड्स, सफेद पुताई करेंगे। इसके लिए हमें, इसके लिए हम क्या क्या चीजें प्रयोग करते हैं, देखिए इसमें आपका प्रयोग की जाती है, देखिए फ्रेंड्स इसमें जो प्रयोग किया जाता है ब्लैक बोर्ड चाक, ब्लैक बोर्ड चाक, ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स दूसरा नंबर भी जो होता है आपका ब्लैक बोर्ड चाक ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा नंबर जो होता है आपका जो होता है व्हाइट लेड पाउडर होता है, व्हाइट, व्हाइट लेड पाउडर। अब देखिए फ्रेंड्स ये दोनों एक ही है, लेकिन जो इसमें सल्यूट होगा मतलब विलायक जो होगा, सॉल्वेंट जो होगा आपका क्या होगा, अलग होगा, जिसमें ये घोला जाएगा वो चीज अलग होगी, इसमें प्लस वाटर लेंगे, पानी लेंगे। इसमें जो है फ्रेंड्स दूसरे में क्या लिया जाएगा, देखिए आपका जो है तारपीन का, सॉरी इसमें जो है दूसरे वाले में जो लिया जाएगा स्प्रिट लिया जाएगा, आप क्या लेंगे दूसरे वाले में स्प्रिट लेंगे, स्प्रिट लेंगे, और इसमें जो है तारपीन का तेल लेंगे, तारपीन ऑयल, तारपीन ऑयल, ठीक है फ्रेंड्स, जो घोलने के लिए माध्यम लिया जाएगा तीनों में क्या होता है फ्रेंड्स अलग अलग रहेगा। अब देखिए इन तीनों पदार्थों को इन तीनों माध्यम में क्या करेंगे, घोल लेंगे, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग जाब की सतह पे आप क्या करते हैं एक परत लगा देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, साधारण कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग कुछ मात्रा में एल्कोहल भी मिलाएंगे, एल्कोहल, एल्कोहल शराब जिसको बोला जाता है, एल्कोहल भी कुछ मात्रा में मिलाया जाएगा व्हाइट लेड पाउडर में। तो फ्रेंड्स इसका जो प्रयोग किया जाता है साधारण कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कास्ट आयरन के रॉक पार्ट या फिर सॉफ्ट इस्पात या फिर सॉफ्ट आयरन के जो रफ पार्ट होते हैं, रफ वर्क के लिए यह प्रयोग किया जाता है, रफ वर्क याद रखिएगा, पूछा जाता है ये तीनों ही रफ वर्क के लिए प्रयोग की जाती है या फिर कास्ट आयरन की कास्टिंग पे इनका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। अगला जो है हमारा पार्सियन ब्लू है, पार्सियन ब्लू जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह ब्लू कलर का पाउडर होता है, ब्लू कलर, ब्लू कलर पाउडर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको क्या किया जाता है देखिए फ्रेंड्स, यह जो ब्लू कलर का पाउडर है यह जो है बहुत बारीक रूप से सतह पे फैल जाता है, तो इसको जो मशीन सरफेस होती है, मशीन सरफेस, मशीनड सरफेस मतलब जिनकी मशीनिंग कर दी गई है वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है, मशीनड सरफेस पे फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह जो है मशीन सरफेस पे आपका प्रयोग किया जाता है। अगला जो है कॉपर सल्फेट, देखिए फ्रेंड्स कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रोल के नाम से भी जाना जाता है,
तो फ्रेंड्स इसे कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रोल भी कहा जाता है, ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल भी कहा जाता है, इसका नाम याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट या ब्लू विट्रोल। देखिए फ्रेंड्स, यह जो है कॉपर सल्फेट जो है पानी में घोलने पर एक नीला रंग का घोल बनाता है, इसीलिए इसको ब्लू विट्रोल कहा जाता है। फ्रेंड्स इसको अत्यधिक क्रियाशील बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया जाता है, कुछ बूंद जो है H2SO4 इसमें मिला देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, H2SO4 मिला देते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग बाय हैंड नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग ब्रश से किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने से फ्रेंड क्या फायदा होता है कि यह जो सतह जो होती है जिस पे आप लेप लगाए हैं वह बहुत तेजी से सूखती है। ठीक है फ्रेंड्स, सतह क्या होगी, बहुत तेजी से सूखेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो है हमारा लेआउट मीडिया है या फिर लेआउट डाई भी इसको कहा जाता है, लेआउट मीडिया या फिर लेआउट डाई। देखिए फ्रेंड्स, यह लिक्विड होता है, यह एक लिक्विड होता है जिसे ब्रश से प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड, पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी मार्किंग मीडिया ब्रश के द्वारा प्रयोग की जाती है, तो ये कॉपर सल्फेट और आपका दूसरा नंबर जो है लेआउट डाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं हम लोग, यह ब्रश से प्रयोग की जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, यह जो है जाप की सतह पर बहुत आसानी से लगाया जाता है, इसको लगाने से पूर्व क्या करते हैं, ऑयल और ग्रीस जो होते हैं, आयल और जो ग्रीस होता है उसे हटा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आयल ग्रीस को क्या करेंगे, हम लोग हटा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा मार्किंग मीडिया या फिर लेआउट मीडिया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखेंगे मेथड ऑफ मार्किंग, मतलब मार्किंग की कितनी विधियां हैं, मार्किंग की विधियां या फिर मेथड ऑफ लेआउट, मार्किंग की विधियां, मार्किंग की विधियां। देखिए फ्रेंड्स, मार्किंग जो है कि जो है मेन रूप से तीन मेथड है, एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूं। सेंटर लाइन मेथड, पहला नंबर जो है सेंटर लाइन मेथड है फ्रेंड्स। तो देखिए सेंटर लाइन मेथड, ये जो है मध्य रेखा विधि। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इरेगुलर अनियमित जाब पर इसका प्रयोग किया जाता है, इसमें जाब के किनारों को सीधा करने की या फिर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जी देखिए, चित्र में दिखाया गया है, चित्र ए में दिखाया गया है कैसे मार्किंग करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक अनुमान लगा लेंगे मध्य रेखा की, एक अनुमान से एक मध्य रेखा बना लेंगे, एक हॉरिजेंटल और एक परपेंडिकुलर। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो होंगे ड्राइंग देखेंगे और ड्राइंग के हिसाब से क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं को रिफरेंस कर मान के आप क्या करेंगे, मार्किंग कर देंगे। पहली रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, इन दोनों को रिफरेंस मान के क्या कर देंगे, आप मार्किंग कर देंगे। ये हो गई आपकी सेंटर लाइन मेथड, कहाँ प्रयोग की जाती है, अनियमित सतह पर। देखिए फ्रेंड्स, जनरली इसका प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें हाई स्किल की आवश्यकता होती है, हाई स्किल की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो मार्किंग आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं डेटम लाइन मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, जो डेटम लाइन मेथड होती है इसमें क्या किया जाता है, मतलब आधार रेखा विधि या फिर इसको बेस लाइन मेथड भी बोलते हैं, बेस लाइन मेथड। इसमें टू एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट का मतलब होता है दो संलग्न भुजा, जैसे ये और ये एडजेसेंट हैं, ये और ये एडजेसेंट हैं, ये और ये एडजेसेंट हैं और ये दोनों एडजेसेंट हैं, तो इनमें से कोई दो को क्या करेंगे, 90 डिग्री पे आप बना देंगे फाइल और ट्राई स्क्वायर के, ट्राई स्क्वायर की सहायता से। इसके बाद इन दोनों एज से इसकी सतह को क्या करेंगे, 90 पे समतल बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब लेप लगा देंगे, इन्हीं दोनों रेखाओं को आधार मान के सारी मार्किंग कर दी जाएंगी। जिसमें इसमें देखिए ए ए और ए बी को आधार मान के सारी रेखाएं खींची गई है चित्र बी में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए
ये जो है कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, एकदम ऑलराउंडर मेथड है मार्किंग की, इसका प्रयोग हम लोग कहीं भी कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान मेथड है मार्किंग की, इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, इसी के द्वारा हम लोग ज्यादातर मार्किंग करते हैं। अगला जो मेथड है फ्रेंड्स, मार्किंग बाय टेम्पलेट। देखिए फ्रेंड्स, इससे हम लोग केवल एक जॉब, वन जॉब की मार्किंग कर सकते हैं, वन जॉब। क्या करते हैं कि जैसा आपका जॉब दिखता है वैसा ही एक टेम्पलेट बना लेते हैं और उस टेम्पलेट को जॉब के ऊपर रख के हम क्या करते हैं, लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये कोई पीस है और आपका ये जॉब है, ठीक है, ये जॉब है, बीच में एक होल है, तो ऐसा ही आप क्या करेंगे, पतली सीट का एक टेम्पलेट बना लेंगे सेम साइज का, उसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से यहाँ से यहाँ से क्या करेंगे, लाइनें खींच लेंगे। दूसरे कलर में मैं बना दे रहा हूँ, ये जो है लाइनें क्या करेंगे आप ड्रा कर लेंगे, ये लाइनें और ये जो लाइन ड्रा कर लेंगे, फिर इसको हटा लेंगे और वहां पे जो भी ऑपरेशन होगा आपका कर लेंगे, करने के बाद आपका जॉब जो है बन जाएगा। लेकिन बस इसमें एक यही कमी है, सबसे आसान है लेकिन कमी एक है कि केवल एक जॉब पे यह फॉलो हो सकती है। अगर आप चाहें कि कई जॉब पे कर लें एक ही टेम्पलेट से तो नहीं होगा, प्रत्येक जॉब के लिए अलग अलग टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो प्रयोग है मास प्रोडक्शन में किया जाता है। मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन क्या होता है, एक ही प्रकार के जॉब, जब एक ही साइज का जॉब हम ढेर सारा बनाते हैं तो जो उत्पादन जो कहलाता है उसको हम लोग कहते हैं मास प्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं आज का जो लास्ट टॉपिक है वो फाइंडिंग सेंटर ऑफ राउंड बार। ये आपको बताया भी जा चुका है लेकिन मैं एक बार रिव्यू भी कर दे रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स फाइंडिंग सेंटर ऑफ राउंड बार। देखिए, तो किसी कोई आपका राउंड बार है या फिर राउंड ऑब्जेक्ट है, उसका हम लोग केंद्र कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए गोल चीज है, इसका केंद्र निकालना है, तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स हमारे पास पांच चीजें उपलब्ध हैं। सबसे पहला नंबर है जेनी कैलिपर, इसको हर्माप्रोडाइट कैलिपर, मॉक्स कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर, या फिर लेग एंड पॉइंट कैलिपर, या फिर इसको आप बताया गया है, इसके चार पांच नाम बता दिए गए हैं, जेनी कैलिपर, मॉक्स कैलिपर, हर्माप्रोडाइट, लेग एंड पॉइंट कैलिपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला जो है सरफेस गेज है, ये आपको नहीं बताया गया है, इस चैप्टर में ये बताया जाएगा आपको, जब आपको मार्किंग टूल पढ़ाया जाएगा तो आपको सरफेस गेज भी बता दिया जाएगा। अगला जो है सेंटर हेड ऑफ कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन सेट आपको पढ़ा दिया गया है, इस चैप्टर में भी है लेकिन आपको छोड़ दिया जाएगा, आप लोग पिछली वीडियो वॉच कर लीजिएगा इसको जानने के लिए। मार्किंग बर्नियर हाइट गेज ये भी पढ़ाया गया है। बेल पंच, बेल पंच आप लोग नहीं जानते हैं, बिल्कुल नया है, ये भी बता दिया जाएगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर पे है वर्नियर हाइट गेज द्वारा कैसे मार्किंग करते हैं, या फिर जेनी कैलिपर ही देख लीजिए, जेनी कैलिपर द्वारा गोल राउंड बार पे मार्किंग कैसे की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, जब आपको क्या करेंगे, होल्ड कर लेंगे, इसकी सतह पे मार्किंग मीडिया का लेप लगा लेंगे और आधे से अधिक दूरी जेनी कैलिपर में भर लेंगे और जैसा चित्र में दिखाया गया आर्क लगाएंगे, पहला आर्क, ये दूसरा आर्क, तीसरा आर्क, ये चौथा आर्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो कॉर्नर मिल रहे हैं अपोजिट कॉर्नर को एक दूसरे से मिला देंगे, ये जो सेंटर होगा ये क्या होगा आपका, सेंटर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो होगा आपका क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है आपका सेंटर हो जाएगा इस जॉब का, ठीक है, इस जॉब का सेंटर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं फ्रेंड्स वर्नियर हाइट गेज से कैसे मार्किंग करते हैं। वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर हाइट गेज फ्रेंड्स, वर्नियर हाइट गेज से कैसे मार्किंग की जाती है, ठीक वही प्रक्रिया, दोनों को सरफेस प्लेट ले पे रख देंगे और एक वी ब्लॉक ले लेंगे, वी ब्लॉक इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। बी ब्लॉक के ऊपर आपका राउंड ऑब्जेक्ट रख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, राउंड ऑब्जेक्ट रख लेंगे और इसके आधे से अधिक या आधे से कम, जैसा इसमें भी लिया गया था, केंद्र से आधे से अधिक या आधे से कम दूरी लेंगे और एक क्षैतिज रेखा खींच देंगे, फिर इसको 90 डिग्री पे घुमा लेंगे। 90 कैसे घुमाएंगे, इस हाइट गेज की सहायता से इसकी एज यहाँ कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, एज यहाँ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ठीक 90 पे है और ये सारा अरेंजमेंट सरफेस प्लेट पे रहना चाहिए, सरफेस प्लेट पे, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे वाइस में बांधे हैं। और फिर क्या करेंगे, चार बार यही काम करेंगे,
फिर आपको चार कोने मिलेंगे, घुमा देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका सेंटर हो जाएगा, ये जो होगा आपका सेंटर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, सेंटर हो जाएगा इस राउंड बार का, ये जो है ये, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह आप जो है सेम यही प्रोसेस रहेगी सरफेस गेज से भी, सरफेस गेज से भी सेम यही प्रोसेस रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स, माइंड में इसको रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला जो है हमारा, अगला जो है कॉम्बिनेशन सेट के द्वारा, कॉम्बिनेशन सेट के सेंटर हेड द्वारा, ये आपका सेंटर हेड है, सेंटर हेड है, और ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे करना है आपको बताया गया था कि सर्वप्रथम क्या करेंगे, जॉब को लगाएंगे सेंटर हेड के पीछे लगाएंगे और एक लाइन खींच देंगे ऐसे, फिर इसको घुमा देंगे 90 डिग्री पे, लगभग 90 पे घुमा देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले एक लाइन खींच दिए, उसको 90 पे घुमा दिए, तो फिर एक और लाइन खींचेंगे, जहां पे दोनों लाइनें कट करेंगी यही क्या होगा आपका सेंटर हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं बेंच पंच, बिल्कुल आसान है, ये आपका बेल पंच है, इसको याद रखिएगा। बेल का मतलब क्या होता है, घंटा, घंटा, घंटे की तरह यह दिखता है, इसीलिए इसको बेल पंच कहते हैं। डायरेक्ट जाब के ऊपर रखिए और यहाँ हैमर से, हैमर से मार दीजिए, हैमर से मार दीजिए, केंद्र बिंदु ही आपको एग्जैक्ट निकल जाएगा फ्रेंड्स, केंद्र बिंदु ही निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये आपका केंद्र बिंदु निकल गया बेल पंच के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो लाइक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फ्रेंड्स वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।